मक्का पार्क प्लॉट विक्री केंद्राचे मौलाना मुख्तार अहमद मदनी यांचे हस्ते अनेक मान्यवरांच्या उपस्थितीत शुभारंभ। धुळे शहरातील मुंबई आग्रा महामार्ग क्रमांक 3 परिसरात मक्का पार्क येथे एआर कंस्ट्रक्शन व अंसारी डेव्हलपर्स यांचे संयुक्त विद्यमाने धुळे शहरातील नागरिकांसाठी सुलभ दरात शहरालगत प्लॉट विक्री सुरू आहे। या कामाचे उद्घाटन अनेक मान्यवरांची उपस्थितीत फेब्रुवारी 26 सोमवार रोजी करण्यात आली आहे। या युगात रोटी कपडा आणि मकान अतिशय महत्त्वाचे गरज आहे। आजचे युगात जागा घेणे अतिशय कठीण झाले आहे। या गोष्टीचा अभ्यास करून एअर कंस्ट्रक्शन व अंसारी डेव्हलपर्स यांनी नागरिकांसाठी सोयस्कर प्लॉट विक्री करून गोरगरिबांना स्वतःचे घर व्हावे या उद्देशाने प्लॉट विक्री सुरू केली आली आहे। यावेळी मौलाना मुख्तार अहमद मदनी, मुफ्ती कासिम जिलानी, आमदार फारूक शहा, रणजित राजे भोसले, रघुनाथ चौधरी, रमेश आप्पा, एआर कंस्ट्रक्शनचे अब्दुल रहीम शेख, अंसारी डेव्हलपर्सचे बिलाल अहमद अंसारी, हाजी मोहम्मद अली यांचे सह धुळे शहरातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। किया गया है, हमारे राजे भाई ने जो बहुत शानदार नुक्ता बयान किया कि पवित्र नाम आपने दिया है तो उसकी पवित्रता और पाकिजगी जरूर यहाँ पर आप देखेंगे इंशाल्लाह। मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे अलहाज अब्दुल रहीम राव साहेब, अलहाज बिलाल अहमद साहेब, अलहाज मोहम्मद अली साहेब और उनके जो रफ़क़ाए कार और मजीद हैं उन सब को कि उन्होंने यहाँ पर रहाइश के लिए इतना शानदार इंतज़ाम किया है। इंसान की ज़रूरतें जो बहुत ही अहम हैं उनमें मकान एक बहुत अहम ज़रूरत है। वो ज़रूरत अगर उसको मिल जाती है तो वो सुकून से अपना काम करता है, इबादत भी कर सकता है, प्रार्थना भी कर सकता है, बाल बच्चों की तरबियत भी कर सकता है, उसकी तालीम और शिक्षक भी कर सकता है। ये आपने बहुत बड़ा काम किया है कि लोगों के रहने के लिए आपने इतना शानदार बेहतरीन इंतज़ाम किया है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और ये काम तो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा आने के बाद किया था। मक्के मुकर्रमा में तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया था, उनसे भी पहले। जब आप आए तो मक्के मुकर्रमा कुछ नहीं था, एक घर भी नहीं था। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी है, परवरदिगार इस जगह को अमन वाला शांति वाला शहर बना। मक्के को हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ करके शांति वाला अमन वाला शहर मांगा है तो अल्लाह ने उसको अमन वाला शहर बनाया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो आपने ये जुमला कहा था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्के को हरम बनाया, अमन वाला मकाम बनाया, मैं मदीना मुनव्वरा को हरम बनाता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस जगह को अल्लाह अमन सलामती वाला बनाए। तो आपने मक्का पार्क नाम दिया है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो दुआएं थी मक्के के लिए, कुछ तो हिस्सा यहाँ भी आएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इस इलाके को खैर बरकत से मालामाल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ कर ली। इसका यह प्रोग्राम मक्का पार्क की इब्तिदा का था, इसमें मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना मुख्तार अहमद मदनी साहब के हाथों से इसका इब्तिदा हुआ और मेहमान खुसूसी में हजरत मुफ्ती साहब, कासिम जिलानी साहब और अलहाज डॉक्टर फारूक शाह आमदार साहब और रघुनाथ चौधरी साहब और बहुत सारे खसूसी मेहमान इसे इब्तिदा में थे, जैसे कि रंजित राजे भोसले, जिन्होंने अपना कीमती वक्त देकर यहाँ पर इस प्रोग्राम को कीमती बनाया। और आज हमारा ये जो प्रोग्राम था, ये रेजिडेंशियल लेआउट है जो नेशनल हाईवे के नंबर 3 से करीब में एकदम लग के और धुड़िया शहर के अंदर ये प्रोजेक्ट आता है। तो इसके माध्यम से ये एकता के भी एकता का संदेश दे रहा था हमारा। माशाल्लाह ये बुकिंग तो 85% मतलब पूरा कंप्लीट हो गया है। इसको 1.5-2 महीना हुआ है हमको लॉन्च करने के लिए। बाकी मकसद एक ही था कि हमारे साथ में मिलकर हिंदू मुस्लिम ने मिलकर ये प्रोजेक्ट को शुरू किया और इसको पाए तक पहुंचाया।